आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके घर परिवार के लिए बहुत लाभदायक है। सबसे पहले मैं यूट्यूबर्स के लिए ये वीडियो की इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जो लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से वाइट पैकेज लिकोडमा और यूट्यूब, उसके लिए भी बहुत खास जानकारी है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये हमारा एक ऐसी जड़ी बूटी है, सभी लोग जानते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन वो जड़ी बूटी आप कितनी मात्रा में कैसे लेना है, और ख़ासकर आपको अगर किसी तरह का चर्म रोग है या आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत ज़्यादा कमी होगी, या आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में भी कुछ समस्या है, और आप जल्दी से थक जाते हैं, तो दोस्तों ये जो जड़ी बूटी है आप देख रहे हैं, आप हो सकता है पहचान गए, आप देखकर पहचान सकते हैं, मैंने पूरा दिखाया हुआ है, आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे दोस्तों, ये आप बिल्कुल पहचान चुके होंगे, मुझे इतना अंदाज़ा है क्योंकि मैंने इस पर कम से कम दो वीडियो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों के लिए बताऊँगा जिन लोगों को वाइट पैचेस है लिकोडर्मा, उनको क्या करना है, उनको काली मिर्च कम से कम आपको 5 काली मिर्च लेना है पीस कर। जब इसका आपको इसको कैसे सेवन करना है, जब आप इसका काढ़ा पीने शुरू करेंगे तो आपको 5 काली मिर्च उसमें मिला लीजिए या चबा चबा के पहले खा लीजिए, उसके बाद इसको पीजिए, और आधा चम्मच हल्दी, ये सफ़ेद दाग के लिए है, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ये सफ़ेद दाग तो अभी तक मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन अभी तक ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी, क्योंकि ये मुझे नई इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि सफ़ेद दाग में अगर इस तरह आप लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको हल्दी लेना है आधी चम्मच, और काली मिर्च आपको लेना है 5, इनको आपको पाउडर ले उसी लेना है। उसी गंदे गंदे के बाद ये दोस्तों है अमृता गुरुच, रुको उसी अब, तो इसको क्या करना है, गुरुच या फिर आप इसके अलग अलग नामों से जानते हैं, मैं भी घर ले जा रहा हूँ इसको तोड़ कर। ये डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स को बढ़ाने में और बुखार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में बहुत ज़बरदस्त फायदा आता है। हाँ दोस्तों अगर आप इसको जब भी आपके शरीर में हरारत लगे, इसका मतलब अगर जिन लोगों को जल्दी से जल्दी सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, अगर वो इसका लगातार सेवन 2 से 3 महीने कर लेते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि आपकी जो इम्यूनो सिस्टम है इतना बूस्ट हो जाएगा, इतना तगड़ा और मजबूत हो जाएगा कि आप फिर अगले आने वाले 8 से 10 महीने बीमार नहीं होने वाले, आप ये सोच लीजिए। और अगर आपके घर में कोई बीमारी भी है तो वो छू मंत्र हो जाएगी बिल्कुल दोस्तों। इसीलिए आज मैं बहुत सारी गिलोय तोड़कर आज लाया हूँ, अपने घर के लिए ले जाऊँगा, आप देख सकते हो, वो मेरी हमारे यहाँ स्कूटी खड़ी हुई है, हमारा भाई लेकर आया है, और वो पेड़ पर खड़ा हुआ है, नीम का पेड़ है, यहाँ से वो तोड़ रहा है, और तोड़ने के बाद हम लोग इसको ले जाएँगे घर के लिए, और फिर इसको फ्रिज में काट कर रख लेते हैं, आप काट के फ्रिज में रख लीजिए, और हाथ में जो हथेली होती है इतनी बड़ी, जैसे इसको आप तोड़ेंगे, आप देख रहे हैं इसकी ये डंडी है जो कि यही मिल जाती है, इसको अभी देखना आप तोड़ने के लिए हरी हरी वैसे ना फेंको, ऊपर से आपको ब्राउन कलर की भूरी भूरी नज़र आ रही होगी, तोड़ने पर ये हरी आती है, आपको हाथ इतना बड़ा आपका हाथ है, हाथ आप देख सकते हैं इतनी बड़ी डंडी, मतलब जितनी बड़ी डंडी हमने तोड़ी है, इतनी ही बड़ी बड़ी डंडियाँ, आपको 4 डंडियाँ लेनी है, और उसको पत्थर से आप अपने घर के सिलबट्टा जो होता है उस पर पूछ कर थोड़ा सा अच्छे से, फिर उसको आप 2 गिलास पानी में धीमी आंच पर उबालिए, और उसमें आप अगर आप चाहें तो पहले से उसमें आप 1/2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, और काली मिर्च बाद में ही मिलाइएगा उसमें, जब आप कढ़ा तैयार हो जाए छान लीजिए, और उसमें तुलसी की पत्तियाँ उसमें मिला लीजिए, 10 पत्तियाँ तुलसी की मिला लीजिए, ये खासकर सभी लोगों के लिए है जिनको लिकोडर्मा या किसी भी तरह का मलेरिया या डेंगू होता है, इससे आपकी प्लेटलेट्स और बुखार बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, सिर्फ आप 2 से 3 दिन के अंदर पहले दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और सफ़ेद दाग वालों को ज़रूर दोस्तों, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हो, इसको ज़रूर आपको लेना है, और बकरी का दूध अगर आप किसी को डेंगू हुआ है, इसमें बहुत तेज़ फैल रहा है, हमारे लोग दवाइयाँ भी खा रहे हैं लेकिन हम इसको दे रहे हैं, 3 दिन में हमारे यहाँ माता जी को पूरी तरह सही हो गया,
था उनको बहुत ज़्यादा हुआ था, तो बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का रस, 3 चम्मच सिर्फ बकरी का दूध और 2 चम्मच पपीते की पत्ती का रस सुबह शाम दीजिए, जड़ से डेंगू ख़त्म हो जाएगा। और आपको इस गिलोय भी देना सुबह शाम 2 टाइम, आधा कप आधा कप, मतलब 2 गिलास पानी आपको मिलाकर उसको उबालना है। उसके बाद फिर जब आधा कप बच जाए या एक कप चाय वाला जो कप होता है उतना बच जाए, उसके बाद छान लीजिए। फिर आपको उसको, जो भी व्यक्ति बीमार है, जिसको भी फीवर है या जिसको मलेरिया डेंगू हुआ, उसको दीजिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा फ़ायदा मिलेगा। कोई कमेंट हो, कोई जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू, हम मिलते हैं।